रीसेंट टाइम में अपडेट आने के बाद कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पिक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बट हमारे सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट करा। उन कमेंट्स में कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा जॉड थे, मैंने देखा और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने पिक कर लिए वो सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। और आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ तुम्हारे बताए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तुम्हारे बताए हुए हर एक कॉम्बिनेशन से 3 गेम खेलूंगा और हम देखेंगे क्या हम बुया निकाल पाते हैं या फिर हम कितने किल कर पाते हैं, टॉप 2 में आते हैं या टॉप 10 में आते हैं। लेट्स सी हम क्या करते हैं क्या नहीं। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए पहला कॉमेंट हमारे सामने है, बेस्ट कैरेक्टर स्किल जो कि आतिफ गेमर ने कॉमेंट करा है। यहाँ पे जाइन, लुकिटा, शानी, एंटोनियो, बिलीव मी नो वन कैन किल यू विद दिस। भाई का कहना है नो वन कैन किल यू विद दिस, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। हम गेम में आ चुके हैं, लगा लेता हूँ डिट्टो सेम ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और मैं जाता हूँ अपने सोलो रैंक गेम में। और यहाँ पे आने के साथ मैंने रश करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मैं पीक पे उतर चुका था एंड यहाँ पे भाई ने बोला कोई किल नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे रश करके खेलना पड़ेगा। वैसे भी पहले 2 मिनट है, यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइव हो जाऊंगा, मैं सीधा गया रश करने। यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारे एनिमीज है, एक तो मेरे सामने है, मैंने P90 से जल्दी से इसको हेड दिया यहाँ पे और दूसरा एनिमी रिवाइव हो रहा है इतना मेरे को पता है। दिमित्री लगा रखा है इसने, जैसे मैं अंदर की साइड फायर करता है यहाँ पे ये नॉक हो जाता है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो जाइन से शील्ड पॉइंट्स तो मिल ही रही है। इसी का यूज करते हुए मैं सीधा रश कर रहा था, मेरे को यहाँ पे डबल वेक्टर मिल चुकी थी, पता नहीं पीक पे इतनी डबल वेक्टर कहाँ से आती है। अभी तुम देखना बहुत ज्यादा डबल वेक्टर मिल रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने उसको खत्म कर दिया, मेरे हो जाते हैं यहाँ पे 4 किल एंड 4 होने के बाद एक और बंदा मेरे सामने आता है जो कि जस्ट मेरे सामने आया और यहाँ पे मेरे हो जाते हैं 5। कितने किल करने के बाद यहाँ पे बंदे ही नहीं होते, मतलब सारे बंदे तो खत्म हो जाते हैं बिकॉज सारे किल तो यहाँ पे मैंने ही कर दिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ रश करने दूसरी साइड और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत फनी सीन होता है। मैं यहाँ पे जा ही रहा था और ये बंदा कैम्प कर रहा था, मैं ऊपर आया बट इसने फायर नहीं किया, बट जैसे मैं सामने आता हूँ इसने मेरी एचपी बहुत लो कर दी। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था मैं सीधा गया। तुम देखना इस कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूज, अभी मेरे पास डबल वेक्टर थी और मेरा यहाँ पे गेम थोड़ा सा स्टक हो गया था। मैंने जल्दी से अपनी स्किल ऑन करी, मेरी एचपी फुल हो जाती है जैसे ही मेरे सामने आता है, मारने का ट्राई तो करता है बट तुमने देखा यहाँ पे मेरी एचपी अभी भी बच गई थी और शील्ड पॉइंट्स भी थे यहाँ पे और ये मेरे को खत्म नहीं कर पाया। बट थोड़ा लेट होने के बाद भी मैंने इसको खत्म कर दिया। ये वाले फायदे तो है इस कॉम्बिनेशन के, तुम यहाँ पे अगर रश करते हो किसी के ऊपर तुम्हारे पास एडवांटेज है बिकॉज तुम्हारे पास 300 प्लस ही एचपी होगी। पहले तो एचपी होती थी, अब शील्ड पॉइंट्स होती है। अब यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या प्रैंक होता है, मैं जल्दी से इसके ऊपर नेट करता एंड नेट करने के बाद तुमने बोला था इमॉर्टल है बट यहाँ पे मैं जल्दी से रश करता उसके ऊपर, यही सोच चलेगा यहाँ पे मेरे को कोई कैसे ही खत्म कर सकता है, मेरी एचपी तो 300 प्लस है एंड यहाँ पे ज्यादा ही एचपी थी मेरे पास। बट क्या होता है यहाँ पे मेरे ऊपर थर्ड पार्टी होती है और ये बंदा कैसे खत्म कर देता है पता नहीं चलता। तुम देखो यहाँ पे तुम कितने भी कॉम्बिनेशन लगा लो बट तुम थर्ड पार्टी वालों से नहीं बच सकते। अब यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन हमारा फेल हो जाता है, मतलब पहला कॉम्बिनेशन तो फेल हो गया बट कोई नहीं, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा देख के खेलूंगा। सबसे पहले हम रश करेंगे उसके बाद हम देख के खेलेंगे क्योंकि बुया निकालना है इस कॉम्बिनेशन से। मैं आ चुका था दोबारा से पीक में, मेरे को यहाँ पे मिल गई थी थॉमसन एंड अब मैं रश करने वाला हूँ उसके ऊपर। सबसे पहले मेरे सामने आता है, मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, दूसरा बंदा मेरे सामने आता और यहाँ पे इसको भी डैमेज दिया बट ये दोनों ही रह जाते हैं। तीसरा बंदा मेरे सामने आता है, जल्दी से इसको हेडशॉट देके नॉक कर दिया, मेरा बाउंटी बन जाता है यहाँ पे और बाउंटी से मेरे को लूट भी मिल जाती है। जब तक एक और बंदा मेरे सामने आता है मैं जल्दी से एचपी गेनर फोड़ता है यहाँ पे, इसको दिया हेडशॉट एंड देन ये मेरे सामने आता है और उसको मैं हेडशॉट मार रहा था बट लगा नहीं हेडशॉट, बट कोई नहीं यहाँ पे बच गया। उसके बाद ही मेरे सामने आता और यहाँ पे मैंने उसको खत्म कर दिया। एक बार फिर से यहाँ पे मेरे 3 किल हो चुके थे और मैं रश ही खेल रहा था बिकॉज यहाँ पे सारे बंदे पीक पे थे, मेरे पास अभी भी लाइफ लाइन बची हुई है। मैं सामने की तरफ गया, इसको हेडशॉट दिया, ये सोनिया बन चुका है यहाँ पे, ये तो खत्म हो जाएगा। दूसरा बंदा मेरे सामने आता है, मेरी एचपी लो होती है, मैं ज्यादा रश करने बट यहाँ पे मेरे को नॉक कर देता है। मेरे को सच में वहाँ पे लगा कि ये बंदा मेरे को मार कैसे सकता है और ये सोच के मैं दोबारा से वहीं पे लैंड करता है बिकॉज मेरे को इससे रिवेंज लेना था। और यहाँ पे मैं वापस से आ गया था, मेरे पास थी बाइजन, ये वही बंदा दिखा और ये वही बंदा था जिसने मेरे को किल करा था। अगर तुम नाम पढ़ोगे इसका, इसका नाम छोटू था एंड इसने मेरे को किल करा था, मैंने भी इसको किल करा और यहाँ पे हमारा हिसाब बराबर हो जाता है। इसके बाद मेरे हो जाते हैं पीक पे 4 किल एंड इसके बाद मैं आगे की तरफ निकलता एंड मेरे को और भी किल देखने को मिलते हैं। सामने साइड फाइट हो रही थी, एक बंदा खुले में जा ही रहा था, वहाँ पे उसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे जोन भी पीक पे ही बनता है, तुम यहाँ पे देख सकते हो जोन पूरा पीक पे ही बना, मैं पूरा मैच यहाँ पे पीक पे खेल रहा था एंड देन मेरे सामने एक बंदा आता है जो कि पता नहीं क्या ही कर रही थी यहाँ पे, ये बंदी कब से ऊपर बैठी हुई थी बट यहाँ पे नीचे आया एंड मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। मेरे जाते यहाँ पे 6 किल और जोन भी छोटा हो गया था। अब मेरे को अगर बुया करना है यहाँ पे तो बुया करने के लिए मेरे को गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी बिकॉज अगर मैं गाड़ी में नहीं बैठा तो ये लोग मेरे को गाड़ी से उड़ा देंगे। बस यही सोच के मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरे पास थी SVD वाइट, साथ में साइलेंसर भी लगा रखा था। मैंने सोचा एक दो किल निकालते हैं, ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने साइलेंसर से इसको डैमेज दिया यहाँ पे, इसको पता भी नहीं लगा। यहाँ पे 3 शॉट तो मैंने इसको डैमेज कर दिया एंड देन यहाँ पे मेरे पास FGL होती है, FGL जैसी फेंका यहाँ पे डैमेज तो नहीं आया बट ये बंदा पता नहीं किधर गया, यहीं पे था, मैंने हेडशॉट दिया और ये नॉक हो जाता है। इसके खत्म होते ही सिर्फ 5 ही बंदे लाइव बचते हैं जिसमें से कि एक मेरे को दिख जाता है जो कि वॉल के पीछे बैठा होता है और ये वॉल में पता नहीं क्या कर रहा होता है। मैं इसको डैमेज देता है SVD वाइज से, यहाँ पे इसके ऊपर तीसरा बंदा भी डैमेज दे रहा था पता नहीं कैसे, लेकिन ये बंदा अभी भी सर्वाइव कर रहा था। मैंने इसकी वॉल तोड़ी एंड देन मैं डैमेज और देता है यहाँ पे, पता नहीं कितनी गोली का ये बंदा मर ही नहीं रहा एंड ये दूसरा बंदा भी इसके ऊपर ही रश मारेगा इतना मेरे को पता है। मैं इसको और भी डैमेज देता है यहाँ पे, तुमने देखा बहुत कम एचपी होगी बट ये दूसरा बंदा मेरे को डैमेज देता है, तुम देखो ऊपर की साइड से। ये बंदा इतना बेवकूफ था, इसको ये नहीं पता लगा इसके जस्ट पीछे एनिमी है और ये मेरे ऊपर पता नहीं क्यों डैमेज दिए जा रहा था बट उसने फायदा उठा के इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे हम दोनों ही बच जाते हैं, यानी कि 1v1 की फाइट होने वाली है। इसको अभी भी लग रहा है कि मैं पीछे हूँ बट मैं वहां नहीं होता, मैं इधर आ जाता है यहाँ पे, ये वॉल लगाता है एंड अब मैं रश मारने की ट्राई करता है। 1v1 की फाइट है, मेरा कैरेक्टर स्किल अभी चार्ज था, मैंने ऑन करा एंड देन यहाँ पे स्किल यूज करने के बाद मैं सीधा रश करता, मेरी एचपी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, शील्ड पॉइंट्स भी मेरे पास बहुत ज्यादा था, मैं अब सीधा रश
बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पे बैठ के मेडिकेट कर ही रहा होता है, मैं इसको हेडशॉट देता है। यहाँ पे इसके पास सोनिया दे मित्र थी, जल्दी से नॉक हो जाता है, बट सोनिया लगा लेता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं नॉक में भी इसको खत्म कर ही देता हूँ और ये गेम मेरा बहुत ही इजी पीजी भुया हो जाता है। और यहाँ पे ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सच में जॉर्ड, अगर तुम अच्छे से यूज करते हो तो यहाँ पे एक भुया निकाल सकते हो, बहुत इजी पीजी भुया निकालोगे। बाकी चलते नेक्स्ट कॉम्बो की तरफ। कॉम्बिनेशन है हमारे पास तात्सुया वुल्फ्रा लुकिटा प्लस लूना, मतलब ये कॉम्बो से रश होने वाला और बहुत ही कैजुअल कॉम्बो है। तो यहाँ पे कैजुअल गेम प्ले ही करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हम रश करके खेलने वाले हैं बिकॉज रशर कॉम्बो है और ज्यादातर रशर वाले बंदे यूज करते हैं। आई नो कि तुम रशर हो तभी तुमने ये कमेंट करा है। मैं लैंड कर जाता हूँ पीक पे बिकॉज मेरे को रश करना था और मेरे पास ये सेम कॉम्बो था जो कि तुमने मेरे को बताया था और मैं इसी से किल करने वाला है। देखते मैं कितने किल कर पाता। मेरे को यहाँ पे डबल वेक्टर मिल जाती है एंड पीक पे डबल वेक्टर, मतलब यहाँ पे सामने वाले बंदों की तो खैर नहीं, ये बंदा मेरे सामने आता और आते यहाँ पे मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया डबल वेक्टर से। ये बंदा खत्म होता है, मेरे 2 किलो जाते हैं पीक पे उतरते के साथ ही। अब हम रश करने वाले हैं, मैं सीधा जाता, दोबारा मेरे पास M10 मिल जाती है और मैं M10 उठाता बिकॉज मेरे को डबल वेक्टर उतनी पसंद नहीं। तुम नूब बोलोगे मेरे को अगर मैं उससे किल करूंगा, बाकी मुझे भी पसंद नहीं, तुम्हें पसंद नहीं होगी। लेट्स सी यहाँ पे मैं कितने किल कर पाता। मैं जल्दी से अपनी बाउंड्री उठाता एंड बाउंड्री उठाने के बाद मेरे पास M10 मिल जाती है, बंदा मेरे सामने होता है, मैं सीधा रश करता है उसके ऊपर। रश करने के बाद मैंने 2 M10 दिया, नॉक हो गया। दूसरा बंदा मेरे सामने आता है, उसको मैंने 2 M10 दिया। मेरी HP बहुत कम थी बट मेरा तात्सुया चार्ज था, मैंने यूज करा। देन यहाँ पे इसकी वॉल मेल्ट होती है, ये एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज था, मैं सीधा गया रश करने और रश करने के बाद 1 M10 में बंदा खत्म हो जाता, मेरे हो जाते 5 किल। देखते देखते मेरे 5 किल हो जाते पीक। एक बार फिर से हमने पीक को खाली कर दिया। मैं यहाँ पे कैम कर रहा था ऊपर बैठ के थोड़ी बहुत रैंक बचाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, एक बंदा मेरे सामने आता है एंड जैसे ही मेरे सामने आता है इसका पोपट होने वाला है बिकॉज जल्दी से रश करता है। मेरे को पता था ये आएगा, मेरे पास थी FGL 24, मैंने यहाँ पे जल्दी से नॉक किया इसको और FGL से ही खत्म कर दिया। मैं जस्ट यहाँ पे बैठ के सर्वाइव कर रहा था बिकॉज मेरे को कुछ काम आ गया था, बट ये बंदा माना नहीं, पता नहीं इसने कैसे मेरे को देखा और ये ऊपर आने का ट्राई करता है, फिर इसका पोपट हो जाता है। अब जोन छोटा हो गया था एंड जोन यहाँ पे श्रिंक भी हो रहा था, मेरे को जोन में जाना था, बट एक बंदा और नीचे होता है मेरे जस्ट सामने आता है। मेरे पास थी MP40, मैं सीधा गया और यहाँ पे MP40 और M10 के कॉम्बो के साथ मैं खेल रहा था, मैंने उसको भी खत्म कर दिया। मेरे जाते हैं यहाँ पे 7 किल एंड अब हम आगे चलते हैं जोन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने सारे किल कर लिए थे, मैं इतने जोश में आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं सीधा रश करके खेल रहा था यहाँ पे। अब जो बंदा मेरे को जोन के अंदर भी दिख रहा था, मैं जोन के अंदर जाके मार रहा था, जैसे कि तुम यहाँ पे देखो जोन आ रहा है बट यहाँ पे मैं जोन के बाहर हूँ। जोन बना नहीं है बट मैं जोन में जा सकता था, बट मेरे को किल के चक्कर में बाहर आया यहाँ पे और मैंने इसको भी जल्दी से किल कर दिया। अब मैं इसको किल करके निकल तो सकता था बट यहाँ पे मेरे को एक और बंदा दिख जाता है जो कि यहाँ पे मेरे को फायर करता है, मेरे ऊपर फायर करता है, मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर गुस्सा आता है। मैं दोबारा से पीछे की साइड गया, मैं यहाँ पे इतने जोश में था, मैंने बोला इसको तूने फायर कैसे करा, बस यही सोच के यहाँ पे जस्ट इसने फायर करा। यहाँ पे मैंने जाके इसको उड़ा दिया गाड़ी से एंड देन यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इसको खत्म करने का। अभी तुम देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको खत्म करने का ट्राई करता है, मेडिकेट करे जा रहा है। अभी इसकी HP बस 100 की होगी फिर भी ये मेडिकेट करे जा रहा है यहाँ पे। मैं इसको मारने की ट्राई करता बट यहाँ पे बंदा पता नहीं कैसे बार बार वॉल लगा के बचे ही जा रहा था और मेडिकेट करे जा रहा था, बट यहाँ पे फिर मैंने सोचा एक वॉल मेल्टर ही फेंक देते हैं एंड जैसे ही ग्लोअल मेल्ट होगी तब मैं इसको खत्म कर दूंगा, बट ये बंदा अभी भी नहीं मानता, अभी भी ये वॉल लगाया जा रहा था। दूसरी साइड अगर तुम देखोगे तो जोन यहाँ पे बने जा रहा था यहाँ पे और जोन का डैमेज बढ़े जा रहा था यहाँ पे। ये मैंने नोटिस नहीं करा, ये मैंने तब नोटिस करा जब मैं इसको नॉक करता एंड नॉक करने के बाद मैं इसको क्लियर कर ही रहा था यहाँ पे। मेरे को पता लगता है यहाँ पे तुम मेरी HP देखो, मेरी HP खत्म होती है, मैं इनहेलर मारने का ट्राई करता बट इनहेलर तो मेरे पास था ही नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, जोश में होश मत खोना, कभी भी तुम ऐसे रश करते हो बट देख के रश करो भाई, जोन वोन का भी देख लिया करो। मैंने नहीं देखा बट कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलती से सीखता है, बस मैं सीख रहा था यहाँ पे, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे मत सीखना। जाने दो, ये सब हम जाने देते हैं, हम फोकस करते हैं अपने गेम पे। और यहाँ पे आने के बाद तुमने देखा मैंने बैक टू बैक 2 किल कर दिए और पीक पे तो पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं पूरा पीक पे गेम खेलता जाता यहाँ पे। और पीक पे आने के बाद मैं डायरेक्ट गया और जाते ही मेरे 3 किल और हो जाते हैं, मतलब कितना ही किल करूं मैं, इस कॉम्बो से मैंने बहुत किल करे। ना मानो, अगर तुम्हारे पास ये कॉम्बो है, तुम रश कर रहे हो और कैजुअल मूड में हो, तुम्हारे पास रश करने का मन है तो यूज करो भाई, इसको बहुत मजा आता है बिकॉज मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था, मैं तो भाई बहुत किल कर रहा था। और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने कितने किल निकाले, ये मेरा 5वां किल होता है, मेरे सामने आता है, मैंने इसको भी खत्म कर दिया बहुत जल्दी। अब जैसे इसको खत्म करता है यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि मेरे को बहुत डैमेज देता है और ये मेरे को बहुत डरा देता है भाई। मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ 2 HP बची है मेरी, मैं जल्दी से मेडिकेट करने जा ही रहा होता, मैं मेडिकेट यहाँ पे करता तब तक ये बंदा घूम के आता और घूम के इधर की साइड से आता, तुमने देखा लेफ्ट साइड से आया एंड देन यहाँ पे मेरे सामने आता है एंड जैसे ही मेरे सामने आता है मैं थोड़ा बहुत फायर करता है इसके ऊपर ताकि ये बंदा थोड़ा बहुत डर जाए, बट ये बंदा डरता नहीं है भाई। ये बंदा देखो मेरे ऊपर रश ही करे जा रहा था और पीछे से एक बार फिर से इसने बहुत गंदा डैमेज दिया। जैसे ही डैमेज देता मैं अपनी वॉल पे करता बट ये बंदा मान नहीं रहा था भाई, ये बंदा वॉल भी तोड़ रहा है। मेरे पास सिर्फ एक ही चांस था इसको खत्म करने का, मैं इसको हेडशॉट मारूं, बस मैं वही करने वाला हूं। मेरे सामने आया और मैंने हेड हेड भर दिया, मेरे को पता था ये जंप करके यहाँ पे आएगा और देन यहाँ पे मैंने हेडशॉट दिया। वुल्फ्रा तो मेरे पास था और उसकी वजह से बहुत इजी खत्म होता है यहाँ पे और रश के साथ हमने यहाँ पे 6 किल कर लिए एक बार फिर से पीक। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा फनी मोमेंट हो जाता है, तुम यहाँ पे देखो क्या होता है, हम यहाँ पे रश कर रहे थे मतलब फाइट कर रहे थे, जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ ताकि मेरे को डैमेज ना पड़े। मेरे पास यहाँ पे मीशा तो थी नहीं बट फिर भी मैं गाड़ी में बैठा और एक एक करके सारे के सारे बंदे गाड़ी में बैठ जाते हैं और सारे के सारे पता नहीं एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए थे। इतना फनी सीन था ना, मैं हंसे जा रहा था यहाँ पे, मेरा कंट्रोल नहीं था, मतलब मैंने हाथ छोड़ दिया था, मैं हंसी रहा था जस्ट। और इसमें क्या होता है यहाँ पे मैं देखता नहीं, यहाँ पे गाड़ी फूट जाती है और जैसी गाड़ी फूटती है मैं भागने का ट्राई करता, यहाँ पे मैं भागी रहा था, पता नहीं कहाँ से 2 शॉट पड़ता है मेरे को और मेरा पोपट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मजा बहुत आया था, मर गए बट वो अलग बात है, मजा बहुत आया था बट कोई नहीं, मैं अगले गेम में आता। भुया तो निकालना इस कॉम्बो से चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे मैं क्या करता
सामने की साइड गया, ये मेरा तीसरा गेम था एंड तीसरे अटेम्प्ट में शायद से मेरा क्लियर हो जाएगा भैया, पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। मतलब मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम थोड़ी है जो क्लियर होगा नहीं होगा, बट कोई नहीं, देखते क्या भैया होगा नहीं होगा, होना तो चाहिए बिकॉज यहाँ पे कैजुअल कॉम्बो है और मजा बहुत आ रहा है मेरे को भैया, तो मैं करके रहूंगा। उसने भी कमेंट करा था, नाम तो नहीं पता मेरे को बिकॉज वहाँ पे यूजर करके कुछ लिखा रहा था, बट बहुत बढ़िया कॉम्बो है बिकॉज मेरे को बहुत मजा आया, मैंने बहुत सारे किल निकाले, भैया नहीं निकाल पा रहे थे वो अलग बात है, बट अगर तुम स्क्वाड में खेलते हो ये कॉम्बो के साथ तो बहुत मजा आएगा तुम्हें, बस तुम्हारे साथ अच्छे बंदे होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, 1v1 की फाइट होती है बिकॉज सारे के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, अब मेरे इसके साथ 1v1 की फाइट जोन की फाइट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1v1 में हम निकाल पाते हैं नहीं, ये मेरी स्किल तो ब्लॉक कर देता है बट मैं थोड़ा वेट करता है। इसके पास थी डबल स्नाइपर, एक M2B होगी क्योंकि डबल स्नाइपर वाला बंदा M2B तो चलाता है यहाँ पे, इतना तो कंफर्म था, बट यहाँ पे यही सोच के मैं FGL4 से इसको डैमेज देता हूं, बट यहाँ पे बंदा पीछे था, इसने मेरे को पीछे से डैमेज दिया, पता नहीं M2B में चला रहा है क्या चला रहा है, यहाँ पे डैमेज तो इसने दिया, यहाँ पे डबल स्नाइपर थी, मैं थोड़ा सा देख के रश करता है इसके ऊपर, ये मेरे को डैमेज दिया ही जा रहा था, मैं जल्दी से गया इसके पास और यहाँ पे मैंने और डैमेज दिया, मैं यहाँ पे लॉन्ग में तो फाइट नहीं कर सकता, ये बंदा लॉन्ग में ही फाइट कर रहा था, बट मैं थोड़ा वेट करता जोन आने का वेट कर रहा था मैं यहाँ पे, और ये लॉन्ग में ही जाया जा रहा था। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में जाना मेरा, मैं जल्दी से तात्सुया यूज करा मैंने, मैं वॉल आने की वेट कर रहा था, जैसे ही मैं इसके सामने गया एक वॉल लगाई मैंने और जाते के साथ ही MP40 उठाई एंड MP40 का स्प्रे मारा, फुल स्प्रे दिया इसके ऊपर, यहाँ पे हेडशॉट लगता है और ये गेम हमारा बुया हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ फाइनली हमने बुया कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा बट हमने इस कॉम्बो के साथ बुया निकाला, तुम भी निकाल सकते हो, बाकी बढ़िया कॉम्बो था, नेक्स्ट कॉम्बो की तरफ चलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में हमें लगाना है मीशा प्लस हयातो प्लस के प्लस कायरस, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन, चलो देख लेते हैं क्या होता है। शौर्य वर्मा का कॉम्बो लगा के हम आ चुके हैं गेम में, यहाँ पे मैं ट्रक ड्राइव कर रहा था बिकॉज मीशा थी, तुम्हें पता है ऑब्वियसली बात है, अगर मीशा तुम्हारे पास तो तुम ट्रक ड्राइव करोगे, बाकी एक बंदा मेरे को दिख जाता है यहाँ पे और मेरे पास थी FGL24, मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, देन यहाँ पे मैं FGL से फायर करता बट ये बंदा पता नहीं क्यों इतना प्रो बन रहा था, मेरे पास सीधा रश कर रहा है, इसको शायद सच में नहीं मालूम है किसके ऊपर रश कर रहा है, बट फिर भी ये रश तो कर रहा है। यहाँ पे देखते क्या होता है, एक वॉल इसने यहाँ लगाई, मेरी सारी FGL वेस्ट दिए बट कोई नहीं, दो शॉट मैंने इसको दिया, अब मुझे पता सिर्फ दो शॉट का था होगा, मेरे पास डुअल स्किल थी मतलब जाइन भी थी मेरे पास, मैं सीधा गया इसके ऊपर रश करने, यहाँ पे दो शॉट का और होगा, ये पता नहीं क्यों ना डेयरिंग दिखा रहा था, खुले में बैठ के मेडिकेट कर रहा था, बट इसी का मैंने फायदा उठाया, मैंने दो शॉट दिया इसके पास, शायद से सोनिया दिमित्री थी, हाँ तभी यहाँ पे खुले में बैठ के मेडिकेट कर रहा था, बट इसके अलावा एक और बंदा होता जो कि मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता, बट यहाँ पे इसको बस एक शॉट में ही खत्म हो गया भाई, मॉन्स्टर ट्रक के एक ही शॉट में खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, मेरे हो जाते हैं यहाँ पे चार किल, मैं आता हूँ यहाँ पे क्लॉक टावर पे अंदर की साइड, जो कॉम्बो है मेरे को पर्सनली लगता है स्क्वाड में बहुत काम आएगा, अब कैसे आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे मैं सोलो गेम खेल रहा था और यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख चुका था जो कि यहाँ पे एंड जोन था, मतलब सेकंड लास्ट जोन है यहाँ पे, और इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, बहुत डैमेज दिया। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अपना राइडन ऑन करता है, यहाँ पे मैं फंस गया भाई इसके राइडन में, ये बंदा कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाता है मेरे ऊपर भाई, तुम देखो यहाँ पे क्या ही रश किया भाई इसने, तुम देख रहे हो यहाँ पे मतलब क्या ही रश करा, बट मेरे पास मीशा थी, लक के लिए यहाँ पे मेरे पास ट्रक भी पास में थी, मैं मीशा लगा के बैठ जाता है ट्रक में एंड देन यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कर पाता। अब ये मेरे को डैमेज देने का ट्राई करा बट मीशा थी मेरे पास, मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं होता बट इस बंदे को 170 का डैमेज जाता है यहाँ पे, और उतरते के साथ मैंने इसको खत्म कर दिया, मतलब क्या गंदा पोपट हुआ ना इसका, ना कोशिश किया इस बंदे ने मेरे को खत्म कर देगा, बट यहाँ पे ये पावर ऑफ मीशा बोल सकते हो बिकॉज मैं बच गया, मेरे पास ट्रक थी वहाँ पे एंड मोमेंट में बच गया यहाँ पे, और ये बंदा भी मेरे को बहुत परेशान करता है। तो हम यहाँ पे देखो क्या डैमेज किया भाई इसने, HP बस एक ही HP छोड़ी बट यहाँ पे मेरे पास फिर से मीशा थी और मैं फिर से बच जाता यहाँ पे, इस गाड़ी की मदद से मैं बहुत ही इजी पीजी यहाँ से एस्केप कर जाता और उसके बाद अभी मेरे को पकड़ पाएगा भी नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आता यहाँ पे और फाइट हो रही होती है और यहाँ पे ये फाइट हो रही थी, मैंने सोचा यहाँ पे जल्दी से खत्म करते हैं इसको रश करके, मैं जैसे ही ऊपर गया मेरी शॉट मिस हो जाता है यहाँ पे, और ये सोच के एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, इससे बेहतर है हम नीचे चले जाएं यहाँ पे, और नीचे जाने के बाद मेरे को पता लगता है यहाँ पे ये बंदा इसको किल कर चुका है। मैं जैसे इसके सामने जाता दो शॉट मैंने इसको दिया, अब और दो शॉट का होगा, इसके पास वुकोंग थी, ये वुकोंग बन के बचने का ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है दो शॉट तो कनेक्ट होना ही है इसके ऊपर, ये वॉल लगाया जा रहा था और बहुत वॉल लगा रहा था, बट यहाँ पे जोन भी आ रहा था, अब जोन की वजह से इसका वुकोंग हटता है यहाँ पे और जैसे ही मेरे सामने आता मैं तो इसको बहुत ही जल्दी खत्म कर देता, मेरे जाते हैं 6 किल और हम आ चुके हैं टॉप 5 में। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, बाकी यहाँ पे अभी सामने ही साइड 2-3 बंदे होने वाले हैं, मैं एक और ट्रक मंगाता हूँ अपना जल्दी से बिकॉज मेरे को एस्केप करना था ऐसे, बट यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसको यहाँ पे मैं स्कार से हेडशॉट देके खत्म कर देता भाई, सामने साइड से मेरे को फायर तो आ रहा था बट वहाँ पे वो बंदा मेरा कुछ कर नहीं पाएगा बिकॉज मैं कवर में हूँ। अब ये सब देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा गेम बहुत इजी बुआ हो जाएगा बिकॉज 1v1 की फाइट है, और मेरे को भी सेम ऐसा ही लगा था, बट फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। ये बंदा ऊपर की साइड होता है और ये बंदा इतना ज्यादा परेशान करता है मेरे को, तुम यहाँ पे देखो इसने मेरी सबसे पहले ट्रक तोड़ दी, मैंने सोचा इसके पास स्काइलर तो होगा नहीं, जस्ट मैंने वॉल लगाई और ये स्काइलर का यूज करके पता नहीं क्या ये फायर करे जा रहा था, मैंने वॉल लगाई और यहाँ पे इसी का फायदा उठा के ये बंदा मेरे को एलिमिनेट कर देता है। मतलब भाई अब मैं क्या बोलूं इस पे, अगर फेयर फाइट होती तो हम जीत भी सकते थे बट कोई नहीं, यहाँ पे हम वो मैच हार जाते हैं। टॉप 2 में तो हम आ चुके थे और तुम वहाँ पे बुआ भी निकाल सकते हो, तुम्हें पता अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा, तभी मैंने यूज करा। बट इसके बाद मैं स्क्वाड में आता और स्क्वाड में तुम देखो यहाँ पे स्क्वाड में तो ये कॉम्बिनेशन जॉड है, तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे हो चुके यहाँ पे 5 किल और एक स्क्वाड के बीच में मैं सामने गया और वहां से उसका एक बंदा नॉक निकाल के ले आया, जैसे मैंने इसको नॉक किया इसका दूसरा टीममेट आता है यहाँ पे, मैं इसको भी
डैमेज देता है बट यहाँ पे मेरे को और डैमेज पड़ता है दूसरी साइड से। जैसे ही डैमेज पड़ता है मेरे ऊपर आयरिस आ जाती है, बट यहाँ पे मैं जल्दी से वॉल ब्रेक करता है इसको, बिकॉज मुझे पता है रिवाइव कर रहा होगा। देन मैंने इसको भी नॉक लिया और इन दोनों को जल्दी से फटाफट खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया आई मीन, बिकॉज यहाँ पे किल तो चाहिए थे। यहाँ पे दोनों को मैंने क्लियर करा बट बहुत गंदा डैमेज पड़ रहा था सामने की साइड से। इंटेंस फाइट होती है बट कोई नहीं, यहाँ पे मैंने हैंडल कर लिया था। अब मेरे सामने और ज्यादा फायर आ रहा था बट यहाँ पे मेरे को बचना था। मैंने सबसे पहले अपने आपको पैक किया पूरी तरीके से। एक टीममेट यहाँ पे मेरे साथ था, उसको पता नहीं कौन नॉक लेता। सामने की तरफ एक एनिमी था जिसने नॉक लिया, अब इसने इसको नॉक लिया, मेरे को रश करना ही पड़ेगा। मैं रश करने गया यहाँ पे, जल्दी से मैंने इसको नॉक लिया। मेरे को पीछे से और बढ़ती है बट मैं फिर से बच गया यहाँ पे। मैंने जल्दी से इसको भी क्लियर कर दिया बट इसके बाद भी अभी यहाँ पे और सारे बंदे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे 8 किल हो चुके हैं। जल्दी से जाके यहाँ पे ट्रक में बैठ जाता बिकॉज मेरे पास मीशा थी, मेरे को डैमेज पड़ेगा नहीं बट मेरा ट्रक फंसा हुआ था यहाँ पे। और इतने में क्या होता है, एक बंदा और आता है जो कि मेरे टीममेट को नॉक लेता है, अभी अभी लैंड करा था। अब यहाँ पे जैसे ही नॉक लिया मैंने इसको नॉक लिया बट यहाँ पे मेरा टीममेट यहाँ पे क्लियर हो जाता है बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरे 9 किल हो जाते हैं। मैं जाता अपने टीममेट दोनों को मैं यहाँ पे रिवाइव कर चुका। दिक्कत वाली बात ये हो जाती है मेरे साथ, मैं जब जोन से बाहर जा रहा था तो मेरी ट्रक ये लोग तोड़ देते हैं यहाँ पे, और ट्रक तोड़ने की वजह से यहाँ पे मेरे को वॉल लगाना पड़ता है। जोन भी आ रहा था, मेरे को निकलना पड़ेगा। मेरे पास था वो कॉन्ग मतलब डोल स्किल थी, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया। अगली साइड जाना पड़ेगा बिकॉज जोन आ रहा है पीछे की साइड से। मैं जल्दी से एक इनहेलर करता, मेरे पास के कैरेक्टर था जो कि मेरी एचपी यहाँ पे फुल करे जा रहा था यहाँ पे, और उसकी मदद से यहाँ पे बहुत जल्दी मैंने अपनी एचपी फुल करी। अब यहाँ पे एक बंदा और होता है जो कि मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। मैं जल्दी से इनहेल करता यहाँ पे, फाइट ले सकता हूँ क्योंकि एचपी फुल हो चुकी है। ये मेरे सामने आता है यहाँ पे, मैंने इसको डैमेज दिया जल्दी से, और ये मेरे सामने ही आ रहा था, मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। जस्ट मैंने इसकी टीम वाइप आउट कर दी, मेरे जाते हैं यहाँ पे 10 किल, और देखते देखते गेम बहुत अच्छा जा रहा था बिकॉज मैं अपनी स्किल बहुत अच्छे से यूज कर रहा था। बट इतने में क्या होता है, मेरा नेट चला जाता है यहाँ पे और उसका फायदा उठा के एनिमीज सारे मेरे को नॉक कर देते हैं। मेरे यहाँ पे 10 किल हो गए थे बट फिर मेरा जब नेट आता है मेरे को रिवाइव मिलता है, एंड इसके बाद क्या होता है 11 किल मेरे हो जाते हैं। सामने सिर्फ 2-3 बंदे बचे होते हैं जिसमें से कि एक हमारे सामने था, इसका ड्रैकी हमको दिख रहा था यहाँ पे। हम सामने गए रश करने, उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, एंड डैमेज देने के बाद अपने आपको वॉल में पैक करता है। शायद से सिंगल बंदे यहाँ पे, मैंने इसको जल्दी से नॉक किया, मतलब नॉक तो नहीं किया, सोनिया बना दिया, जल्दी से नॉक आता है। लास्ट बंदा हमारा टीममेट नॉक लेता है और इसी के साथ हमारा ये गेम बुरा हो जाता है।